भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक की अंग्रेजी शराब जब्त की। हमीरगढ़ थाने की स्वरूपगंज चौकी ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। यह शराब हरियाणा से महाराष्ट्र के नागपुर जिले में ले जाई जा रही थी। ये शराब पुराने कबाड़ के सामान की आड़ में ले जा रहा था। पुलिस उपाधीक्षक सदर राजेश आर्य ने कहा कि आचार संहिता के तहत पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने मादक पदार्थ तस्करी रोकने के निर्देश दिए थे। इसके तहत स्वरूपगंज चौराहे पर रविवार को नाकाबंदी लगाई गई थी। इस दौरान एक ट्रक आई जिसमें कबाड़ का सामान भरा हुआ था, उसकी तलाशी ली गई। कबाड़ के पीछे करीब 931 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर ट्रक चालक पश्चिम बंगाल निवासी अरविंद दास को गिरफ्तार किया। शराब हरियाणा से महाराष्ट्र के नागपुर ले जाई जा रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीमान एसपी साहब द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज हमारी हमीरगढ़ थाना पुलिस की टीम ने SHO तुलसीराम जी के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान सुबह एक ट्रक में करीब 931 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है। ये शराब अपने हिसार से हरियाणा के हिसार से नागपुर ले जाई जा रही थी। इसकी कुल बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये। इसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, अरविंद कुमार, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।